रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथ नितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परीजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादा वृंदाई तुलसी देवी
प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति व्रज देवि सत्यवचने नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावनाला समा संसार दहने दग्ध जीवा कुला उधर तारणी करुणा भरी
Yeah.
Thank you.
जीव जाम जीव जाम राजा Oh,
Thank you.
थोड़ी दूर जाते थे सखाओं के साथ में खेल कूद करके आ जाते थे। लेकिन कृष्ण जब और थोड़ी सी बड़े हो गए ना, कहते वो लीला बड़ा मधुर बड़ा सुंदर है, क्योंकि अभी ब्रज गोपियों के साथ में कृष्ण लीला करेंगे, इसलिए ये लीला बड़े रसप्रद है, बड़ा मधुर लीला है, हैं। ऐसे एक दिन कृष्ण लीला करते करते कृष्ण पहुंच गए कहाँ पर, ताल वन के पास में। ताल अभी धेनुकासुर की कथा सुनते, कल उसका कथा सुना आपका, धेनुकासुर कथा सुनाते, कहते राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहन इतो अभिदुरे सुमहन बनम तालासित कुलम। जब सखा लोग गई चराते चराते गए, इतने में जो सुंदर ताल फल का, ताल फल खाए हो, देखे भी नहीं हैं, इसलिए ताल फल बहुत सुंदर हमारे उड़ीसा बंगाल में तो बहुत है हैं ये ताल फल। कभी मधुबन गए हो, कभी ताल बन गए हो, नहीं ताल वृक्ष भी, ताल का पेड़ भी नहीं देखे होंगे, हाँ वहाँ ताल पेड़ दो तीन पेड़ वहाँ पर है, उसका फल उसको उसको बहुत तरह से खाया जाता है। एक तो जब छोटा रहता है उस समय काट करके उसके अंदर में ऐसे तीन तीन निकलता है, बहुत मीठा खाने में सुंदर। जब फिर पक जाती है उसको फिर रस निकालते हैं, रस निकाल करके उसको केक जो बनाते ना, पीठा बनाते केक बनाते हैं उसमें, फिर उसका खीर भी बनती है, बड़ी सुंदर खीर बनती है, अलग टेस्ट। और जो पकौड़ा बनती है ना, क्या टेस्ट है पकौड़ा की उसका जूस में, हाँ उसका पीठा बनता है, हमारे देश में पीठा बनता है। कि जब पक जाती है, फिर हम लोग बचपन में तो उसको थोड़ा आग में डाल देते थे, जलते हुए कोई आग में, जब थोड़ा थोड़ी सी पक जाती थी फिर उसको हम उसको इस मुँह में चार चार में खाते थे उसको। अगर ये एक फल पक जाएगा ना, ये पूरा सुगंध में पूरा ये मंदिर, एक फल अगर यहाँ रख दिया जाए पूरा ये मंदिर मंदिर सुगंधित हो जाएगा, इतने सुंदर उसमें खुशबू है। फिर जब उसको फिर तीसरे तरह से खाया जाता है, जब उसको खा लिया, उसको इतने बड़े बड़े गुठली होता है, उसको मिट्टी में उसको फेंक देते, फेंक देने पर कुछ दिन बाद में फिर उसमें थोड़े से जब अंकुर आता है ना, फिर उसको काटते हैं, काट करके उसको अंदर में इतने बड़े बड़े इतने सुंदर, जब तक नहीं खाओगे ना वर्णन नहीं कर सकते कितने उसमें स्वाद है, उसको अलग अलग तरह से हमारे उस तरफ में खाते हैं, ये ताल बने हैं। एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में उन्होंने गैया चराते चराते आसपास में ताल बन को आसपास में चले गए, जब चले गए इतने में सुंदर सुंदर उसको खुशबू, जब पक जाए ना बड़े दूर तक तो उसको खुशबू जाती है, अभी उनका खुशबू आने लग गया। जब आने लग गए इतने में सखा लोग कहते बोले राम राम महाबाहो, कहते दाऊ भैया राम राम मतलब बलदेव प्रभु, अब महाबाहो, महाबाहो मतलब जिसका बाहु बहुत बड़े 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 ताकतवान है, माने एक तरह से सखा लोग कह रहे हैं बोले बलदेव प्रभु तेरे बाहु में जो ताकत है ना, कोई दिखाने के लिए कोई काम भी नहीं महाबाहो कहते ना तेरे साथ में तो ताकत है, केवल दिखाने के लिए कोई काम की नहीं। कहते कृष्ण दुष्ट निर्वहन, कृष्ण के लिए क्या कहते हैं, बोले कृष्ण दुष्टों को मारने वाले, बोले वैसे ही तो बात ही बात है दुष्टों को मारने वाले, लेकिन तुम भी कोई काम की नहीं, बोले ऐसे क्यों कह रहे हैं, बोले उनका मैं उत्तेजना ला रहे हैं, अगर तुम महाबाहु, हम कहते ना अगर तेरे शरीर में ताकत है बाहु में, करके कोई काम दिखा देना, करके दिखा है, केवल केवल बेकार तुम्हारे हाथ में इतना ताकत है, अरे करके एक बार दिखाओ तो ताकत कितने। कृष्ण दुष्ट निर्वहन, कहते कृष्ण कौन, बोले दुष्ट को मारने वाले, बोले केवल नाम ही तेरा दुष्ट मारने वाले, अभी तक तो कुछ कुछ अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, मतलब उनको अंदर में उत्साह दे रहे हैं, उनका अंदर में हाँ कहते उसके हिंदी में क्या बोलते, भड़का रहे हैं उसको, कहते अगर तेरे हाथ में ताकत है करके दिखा दो कृष्ण, अगर तू दुष्ट को मारने वाले बार दुष्ट को मार कर दिखाओ ना, केवल केवल दुष्ट को मारने वाले नाम ही नाम, कोई काम की नहीं, इसलिए करके दिखा दो हैं। तब उन्होंने कह रहे हैं बोले देखो ये पास में अभी उस स्थान का नाम था पहला तारसी, उस स्थान का नाम तारसी, कहते वहाँ पर एक बहुत बड़ा वन है जहाँ पर कहते मथुरा के पश्चिम भाग में, कहते ये बराह पुराण में बताए, मथुरा के पश्चिम भाग में एक योजन व्याप्त करके वो वहाँ पर एक धेनुकासुर वास करता है, और वो है कहते वो
वो बड़ा खतरनाक है, कहते नरबास भखी इंसान को खा लेता है, इसलिए इतने भयानक वो दैत्य है। वो अकेले नहीं रहता, उसका परिवार को साथ में रहता है, इसलिए कोई इंसान को तो खा ही लेता है, इसलिए कोई पशु पक्षी को भी नहीं छोड़ता, उसको भी खा लेता है। ये बड़ा भयानक राक्षस है। इसलिए कृष्ण को कह रहे हैं देखो, लेकिन वहाँ पर एक है, वहाँ पर तो राक्षस रहता है, इसलिए कि तुम्हारे हाथ में जो ताकत है ना, जैसे कहते ना आकाश में जैसे फूल खिल रहा है, आकाश में कोई फूल खिलता है, ऐसे ही तुम्हारी जो ताकत है वो बेकार ताकत है, कोई काम भी नहीं। इसलिए कृष्ण बलराम को ने ऐसे उत्साह करवाया, अगर ताकत हो तुम दोनों भाई हैं एक काम कर, चलो वहाँ पर जाते हैं, ताल पल खाएंगे और उसको मार डालो, मार करके लोग जो वो जंगल में नहीं जाते हैं, हैं कहते वो कितने बड़े हैं, पर एक जोजन व्याप्त करके वो ताल की बाग है, एक जोजन तक इतना बड़ा ताल पल, और उसका जो अब जो एक कृष्णा आता है ना कार्टून का, आप देखना वहाँ पर तो और पुराण से लेकर के वहाँ पर और भी बड़ी सुंदर सुंदर बात बताई। कहते इंद्र के द्वारा रखित वो ताल था, वो जो धनुकासुर इंद्र का अधीन में रहता था, और यहाँ पर स्वर्ग में अब देखे होंगे जब वो पी रहा था स्वर्ग में सोमरस पी रहा था ताल का, इसका विशेष टेस्ट है ताल का जो सोमरस, ये विशेष टेस्ट है। और ताल और उसमें एक होता है उसका काटने पर उसका कुछ जूस निकलता है, एक ताल मिश्री, जो मिश्री वो बड़ा हेल्थकारी है, हाँ ताल मिश्री बड़ा हेल्थकारी, उसको रस से गर्म करते करते मिश्री भी बनाते हैं, और उसका जूस हम लोग बचपन में पिए है। हमारे बगीचा में बहुत सारे ताल का पेड़ था, उसको जूस निकलता है, नीचे अगर काट दो वो जूस निकलता है, वो बड़ी टेस्टी है, और बहुत तरह से उसको खाते, जो खजूर रस होता है ना उसी तरह ताल रस होता है, बहुत तरह से खाते हैं उसको। इसलिए जो ताल फल से जो सोम रस बनता था उसका विशेष टेस्ट है, विशेष टेस्ट। इसलिए ये इंद्र की अधीन में रह करके हैं, इंद्र के अधीन में रह करके ये क्या करते थे, ये इंद्र के पास में ये जो बनता था उसका सोम रस स्वर्ग में जाता था, लेकिन बीच में कंस जा करके भगा दिया इंद्र को, भगा करके वो अभी कंस का अधीन में ये ताल वन में, ये कंस का अधीन में ये जो धनुकासुर था गर्धवासुर था वो उसको रक्षा करता था, उसको रक्षा करता था। बोले अगर तुम्हारी हाथ में ताकत करके दिखा, कृष्ण बलराम तो एकदम ताव में आ गए, बोले चलो देखते हैं, हैं देखते हैं कैसे राक्षस वहां पर कैसे राक्षस निवास करता है। दोनों भाई में जोश आ गए, बोले चलो ताल फल खिलाएंगे, राक्षस को मार करके उसको हैं उसको शत्रु विहीन कर देंगे, कम से कम हमारे ब्रजवासी लोग जा करके क्या करेंगे, कम से कम ताल फल खा सकते। चलो ए ताव आ गया, गए दोनों भैया जा करके बलदेव प्रभु, उनका नाम ही बलदेव है, उन्होंने क्या किया, एक पेड़ को पकड़ करके से हिलाया, लेकिन ताल वृक्ष इतना साधारण नहीं, ये बड़ा मोटा होता है और बड़ा ताकत, नारियल पेड़ से भी ज़्यादा वो ताकतवान होता है। लेकिन बलदेव साक्षात, बलदेव कौन है, साक्षात अनंत देव, कहते विश्व ब्रह्मांड को जो अपना सर्क में सर्क ऊपर में विश्व ब्रह्मांड को एक सरसों जैसे धारण करके रखे, बलदेव साधारण ही गए हिलाया एकदम झांक झंझर, जब हिलाया पका हुआ जो ताल था ना धप 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 कर गिरने लग गया। जब गिरने लग गया इतने में धनुकासुर अपना परिवार में रहता था वहां पर, इतने में देखा अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही, और हींग हींग अब गधे को देखा ना कैसे चलता है, हीन हीन करते करते आया, आ करके ना वो क्या करता है गधा दुलाती है, वो पीछे से दुलती मारता है, लात मारता है गधा, ओ आया आ करके उन्होंने बलदेव प्रभु को छाती के ऊपर में एकदम दुलती मारे, और मार कर ही हीं करते करते एक चक्कर लगाया, चक्कर लगा करके हाँ फिर आया बलदेव प्रभु का मुंह में वो लात मारता है। जब बलदेव प्रभु का मुंह में लात मारने के लिए आए इतने में बलदेव प्रभु पकड़ ली उसको, पीछे का टांग को पकड़े घुमाए आकाश में, ऐसे घुमा 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 करके जब प्राण छूट गया ना मारे उसको, कहाँ पर, ताल पेड़ के ऊपर में, और मारे तो जाकर के पेड़ के ऊपर लटक गया। इतने में जो उनका पति जब मर गया,
इतने उसको पत्नी बच्चे भी रहते थे, उनका बहुत बड़ा परिवार रहते थे, ये सब के सब आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया दोनों भाई ने मिल करके सबका टांग को पकड़ पकड़ कर घुमा 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 करके सब पेड़ के ऊपर मारने लगे। और सबके सब जैसे आकाश में जैसे मेघ है ना, उदाहरण देते हैं, आकाश में जैसे मेघमाला है, और सबको मार मार करके पेड़ के ऊपर लटका दिए। जब लटका दिए और मेघमाला जैसे शोभायमान हो रहा था, इतने में खून खून हो गया और उन्होंने टाटी पेशाब मल मूत्र को त्याग दिया, चारी तरफ में एकदम गंदे गंदे हो गए। अभी हम भोजन कब कर सकते हैं, जब बढ़िया स्थिति हो ना। लेकिन वहाँ पर तब देखा खून खून से लथपथ है, वहाँ पर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ, जो खाने का जो रुचि था फिर सखाओ ने फिर और खाए नहीं है, इसका और खा नहीं पाए इसलिए। लेकिन वो जो जंगल राक्षस से मुक्त हो गया और जितने ब्रजवासी लोग बड़े सुंदर ये ताल फल को खाया करते थे। और कृष्ण जब उन्होंने ये राक्षस को मारे, देवता लोग भी धनुकासुर को डरते थे, बड़ा पराक्रमी था, बड़ा भयानक था। लेकिन जब कृष्ण बलराम पूरा बल सब खत्म कर दिए, इतने में देवता लोग स्वर्ग से पारिजात के पुष्प को बौछार की, अबल श्री कृष्ण बलराम की जय। जोर से बोला, बल श्री कृष्ण बलराम की जय। इन्होंने गर्दवासुर मार डाले। इतने में ब्रजवास सखा लोग आकर के ब्रज में क्या बोले, बोले कन्हैया तो दाव भैया तो बहुत बड़ा गधे को मार डाले, एक गधे को मार डाले। लेकिन उनको तो पता नहीं कि बहुत बड़ा राक्षस है। लेकिन यहाँ पर श्री हमारे भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, उन्होंने जो ये गर्दवासुर को मारे, ये गर्दवासुर है कौन है, गर्दवासुर कौन है, ये इसका तात्पर्य क्या है। पर गर्दवासुर मतलब होता है स्थूल बुद्धि, स्थूल बुद्धि। स्थूल बुद्धि मतलब जो आत्म तत्व के बारे में जिनका विचार नहीं, ये शरीर को ही जो सब जीवन में सब कुछ मानती, शरीर ही सब कुछ है, लेकिन आत्मा परमात्मा नाम का कोई चीज है जिसको बारे में इनकी कुछ पता नहीं। बोले दूसरा है, बोले सत ज्ञान का अभाव, दूसरा मतलब होता है सत ज्ञान का अभाव, हर समय असत ज्ञान में चलने वाले। सत ज्ञान कौन है, बोले ओम तत् सत। सत कौन है, बोले भगवान ही। कहते जिसमें उनके सत ज्ञान के जिसमें अभाव, इसलिए तीसरा कहते बोले मूढ़ता का कारण, सत ज्ञान का अभाव। कहते मूढ़ता का कारण है, कहते तत्व में अंधता, तत्व में अंधता उनका है। और अपना जो स्वरूप ज्ञान का विरोध, जो स्वरूप ज्ञान जीव का, जीवर स्वरूप है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब के सब भगवान की सेवक भगवान के दास है। लेकिन उसमें जो विरोध है, लेकिन बलदेव प्रभु ने क्या किया, उसको उन्होंने दूरीकरण किया, उसको मार करके दूरीकरण किया। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं ना, तू एक गधा है, गाली देते हैं ना, तू एक गधा है। गधा मतलब क्या, मूर्ख, गधा मतलब मूर्ख है, हैं। इसलिए जीव का अंदर में एक मूर्खता है, हैं, एक मूर्खता है। इसलिए गुरुदेव बड़े सुंदर उदाहरण देते थे, गुरुदेव कहते गर्मी समय में ही गधा मोटा हो जाता है, और ठंडा जब घास भूसा होता है ना बरसात का समय में पतला हो जाता है। बोले क्यों, ऐसे क्यों, बोले गर्मी का समय में घास होता नहीं, अभी गधा खाते 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 बड़ी दूर तक चले जाता था, दर दूर तक जाकर के पीछे देखता था, बोले बावरी वहां से वहां तक चढ़ते चढ़ते आ गया, लेकिन घास वास कुछ है नहीं थोड़ी। बोले बाबा मैंने इतने दूर तक मैंने घास खा लिया, ये मोटा हो जाता था, लेकिन ये बरसात में पतला हो जाता है। बोले क्यों, हरा भरा होता है ना घास होता है, लेकिन जब थोड़ी सी घास थोड़ी दूर तक जब घास खा लेता था पेट भर जाता था, वो पीछे मोड़ कर देखता था हम कितने से कितने दूर तक हमने घास खाया है। बोले वहां से इतना तक ही घास खाए, बस वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, है वो पतला हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव इसकी उदाहरण देते थे, बोले इसका तात्पर्य क्या है, इसमें का तात्पर्य क्या, बोले इसका तात्पर्य यह है जीव है सोचता है। अब देखो कि गधे को पीठ के ऊपर में जितने मैला कपड़ा उस गधे को पीठ ऊपर धोबी ले जाता है, और उसको धो धा करके उसको पीठ के ऊपर लद करके फिर ले आता है। और जो पहाड़ में देखिए ना, देखना वहाँ पर सारी गधा ही काम करते हैं पहाड़ में, क्योंकि उसको ऊपर में उठना बड़ा कठिन है। अब लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गए हो,
कौन गए केदारनाथ बद्रीनाथ, देखना सब एक गधे के ऊपर पीठ पे चढ़ कर के ये सब के सब गधे के पीठ पर बैठ करके सब केदारनाथ बद्रीनाथ में गंगोत्री यमुनोत्री में सब चलते हैं। और उधर उसको पीठ के ऊपर में क्या करते हैं, जितने दाल चावल चीनी तेल उसको सब इसको वही गधा ही सब ढोता है, हैं सब ढोता है गधा, लेकिन उसको कभी एक पराठा बनाकर नहीं खिलाते, धोएगा तो पीठ को एक पराठा भी नहीं खिलाते, चीनी की बोरी ले जाएगा, सोचे भैया एक गिलास शरबत उसको खिला दो, शरबत नहीं खिलाते, बोले चावल के बोरी पीठ पर ले जाएगा, भैया थोड़ा चावल बनाकर उसको खिला दे, खिलाते उसको क्या, वो खाता है क्या, वही भूसा खाता है, घूस खाता है, घास खाता है, लेकिन पीठ के ऊपर में सब चीज को ढोता है। कहते उसी तरह है संसार में जीव भी संसार का सारे कर्तव्य को पूरी करता है, हैं? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक उदाहरण दिए, बोले गर्ध वेर मातामी कारी परिश्रम कार लागी ए तो करी ना गुछी लभ्रम केसे रा संसार ए छाया बाजी प्रायो जीहाते मामाता करी वृथा दीन जाए। ये जो भजन है ना भक्त लोगों के लिए नहीं, भक्तों का संसार तो भक्त का परिवार कृष्ण का परिवार, लेकिन जो लोग जीवन में भजन नहीं करते हैं केवल पैसा कमाओ खाओ अपना बीवी बच्चों का पालन करो उनके लिए कहते हैं, बोले गर्ध वेर मातामी करी परिश्रम गधा जैसे दिन रात परिश्रम करता है उसका कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, कि उसी तरह बोले किसे संसार यही छायाबाजी प्राय संसार में जो कुछ लोग करते हैं संसार के लिए, लेकिन गर्ध वेर मातामी करी परिश्रम कार लागी इतो करी नाग चिलब्रम, तब वो कह रहे बोले किसके लिए तुम परिश्रम कर रहे हो, दिन से लेकर के सवेरे से लेकर रात तक किसके लिए तुम परिश्रम करते हो, किसे संसार है कौन किसका है, संसार में तो कोई किसका नहीं, तो माया है ये, तो झूठा संसार है ये, तो धर्मशाला का परिचय है, जैसे धर्मशाला में रुकते हैं रात में खूब गप्पे मारे सवेरे गए, ये संसार तो ठीक वैसे ही, यहाँ पर तो हम गप्पे मार रहे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बच्चे तुम्हारे पति तुम्हारे भाई तुम्हारी बंधु, ये तो गप्पे और कुछ है ही नहीं है, इसलिए कहते किसे रे संसार यही छायावादी प्राय ये मिथ्या संसार है, यहाते ममता करी वृथा दिन जाए, इसमें हम ममता करके प्रेम करके हमारा जो भगवान ये जो अनमोल जीवन हमें दिया है 84 लाख जीवन के बाद में ये मानव शरीर दिया जिसमें प्रभु का भजन करके संसार से पार हो सकते हैं, हम अपना जो प्रेम हमें ठाकुर को देनी चाहिए, हम ठाकुर को प्रेम नहीं दे कर दुनियादारी में ये प्रेम को हम दुनियादारी में दे रहे हैं, इसलिए ये झूठा है, गर्धव जैसे दिन भर परिश्रम करते करते अपना जीवन नष्ट कर देता है, हम भी ऐसे ये संसार में आसक्ति करके उनके लिए करते करते जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं। भक्त मोहन ठाकुर दूसरा कीर्तन है, बोले सही गाधा होए संसार रो बोझा बहिनो आने का काल, कहते हैं सही गाधा हुए संसार रे बोझा बहिनो अनेक काल नहीं लागे भालो, मतलब है सही गाधा हुए, कहते हमने क्या किया गधे बन करके संसार का जो बोझ को हम जिंदगी भर हमने ढोया है, लेकिन अभी वृद्ध हो गया हम, तो ये जो एनर्जी भगवान के लिए देना चाहे था उसको तो दिया ही नहीं, हमने ये माया में दे दिया, अभी ये संसार जो आसक्ति थी, अभी तो हम वृद्ध हो गए, अभी ये दुनिया संसार और हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये जो गधा पड़े हैं बलदेव प्रभु कौन है, ये गुरु है बलदेव प्रभु, आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु, गुरु क्या करता है, कहते गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधक, गुरु का काम है ये अज्ञान को हटा करके शिष्य का हृदय में दिव्य आलोक को जो प्रकाश करते हैं ये गुरुदेव बलदेव प्रभु, इसलिए उन्होंने जीव के अंदर में जो गधापन है, हैं गधापन जो अज्ञान जो अविद्या, ये गधा कौन है अज्ञान ये अविद्या को श्री गुरुदेव गुरुपाद पद्म ही जीव का हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ उसको क्या करते हैं, उसको नाश करके जीव का हृदय में
ये तत्व ज्ञान को ये स्फूर्ण कराते हैं श्री गुरुपाद पद्म है, गुरुपाद पद्म। इसलिए बलदेव प्रभु कहते हैं कि उनका हाथ में क्या है, हल और मूसल। हल से क्या करते, खेती। हल से खेती करते, किस चीज की खेती? बलदेव प्रभु कहते तीन जगह पर उनका खेती है। कितने जगह पर? तीन। कहाँ? कहते एक गोलक वृंदावन में खेती करते हैं, क्योंकि जितना कृष्ण परिकर है जब बलदेव प्रभु का प्रकाश है, कृष्ण के जितने परिकर सब बलदेव प्रभु का प्रकाश है, हैं? ये एक। बोले दूसरा खेती कहाँ करते हैं? कहते ये महाशंकर स्वरूप में वैकुंठ में भी इनकी खेती है, वहाँ पर भी जितने जीव है सब बलदेव प्रभु से प्रकट होते हैं वहाँ पर। और जो तीसरा जो खेती करते हैं, कहते ये श्री कारणदेव गोसाई विष्णु रूप में खेती करते हैं, कारणदेव गोसाई विष्णु। कहते ये क्या करते हैं कारणदेव गोसाई? कहते ये जब जीव को ऊपर में दृष्टि, कहते माया अध्यक्षण प्रकृति सुएते सचराचरम, जब वो माया को तरफ में दृष्टि डालते हैं, दृष्टि डालने पर माया खुबित होकर के ये जो ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं ये अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को ये माया सृष्टि करती है। सृष्टि करने पर फिर बलदेव प्रभु फिर क्या करते हैं उसमें, फिर दूसरे स्वरूप में बलदेव प्रभु गर्भोदक गोसाई विष्णु बन करके हर ब्रह्मांड में अपना पसीना से आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं, और जिनकी नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा सृष्टि होते हैं, हैं? ये कारणदेव गोसाई विष्णु से जो जीव प्रकट हुए उसमें क्या हुआ, कुछ जीव तो भगवान का राज्य में चले गए, ठाकुर के पास में चले गए सृष्टि से ही, हैं? उन्होंने जब जीव सृष्टि, उसको भगवान प्रश्न करते बताओ अभी तुम क्या करोगे, भजन करोगे ना संसार में जाओगे, लेकिन जो सौभाग्यवान जीव भगवान की भजन करके ठाकुर के पास में चले गए, जो भगवान का नित्य सेवा आनंद को ले रहे हैं, उनको पता नहीं ये माया एक संसार कोई है जिसमें हम लोग संसार में आकर के तरह तरह का दुख कष्ट भोग करते हैं, हमको पता ही नहीं ऐसे एक माया जगत है जिसमें जीव एकदम पीस रहे 14 ब्रह्मांड 84 लक्ष जीवन में ये पीस रहे जीव, उनको पता ही नहीं। उनको पता है कि गोलोक वृंदावन है, ठाकुर जी के पास में ठाकुर का सेवा भक्ति और भजन में मस्त रहते हैं। इसलिए कुछ जीव चले गए ठाकुर के पास में, और हम जैसे दुर्भाग्य जीव माया संसार में आकर के चक्की में, हम सबके सब चक्की में पीस रहे हैं। इसलिए कहते श्री बलदेव प्रभु हाल को तरह क्या करते, खेती करते हैं, है खेती करते हैं। कहते एक तो ये खेती, बोले दूसरे खेती क्या करते हैं, बोले हमारा जो हृदय है इसलिए हमारा हृदय कैसे, इसको श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, मन पाषाण तो बोल न नारे, क्या बोलो भजन है, परम करुणा पोहो दुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया सिर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। उसमें कहते पशु पाखी झुरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा, महाप्रभु की गुण कथा सुन करके पशु पक्षी भी झूम उठते हैं और पत्थर क्या आता है वो भी द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए हमारे हृदय कैसे हो गया, पत्थर जैसे हो गया। पत्थर जैसे हो गया मतलब क्या है, जैसे पत्थर में पानी दो ना वो पत्थर सोख नहीं करता है, वो गिर जाता है, उसी तरह हम भी ये संसार करते 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 हमारे हृदय ऐसे हो गया जो ठाकुर की कथा सुन करके भी हमारे हृदय द्रवीभूत नहीं होता, ठाकुर का भजन का प्रति हमारा मन जाता ही नहीं, क्यों, मन हमारी पत्थर हो गया है, पत्थर हो गया मन। इसलिए संसार का बात बोलो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ठाकुर जी की बात बोलो अच्छी लगती नहीं, क्यों, विषय भोग करते करते पत्थर हो गया। लेकिन बलदेव प्रभु क्या करते, खेती, हल चलाते हैं। कभी देखे हो हल चलते हुए, हल चलता है उसमें बड़ा पत्थर जैसे, लेकिन हल चलाने पर उसमें बड़े बड़े ढेला भी निकलता है, हैं? फिर हाथ में क्या है, मुसल। मुसल से क्या करते, जो ढेला है ना उसको मार मार करके उसको मुलायम कर देते हैं, फिर उसको बाद में उसके बीज वो तो फिर सुंदर उसमें वृक्ष होता है।
इसलिए बलदेव प्रभु क्या कहते हैं, हमारे जीव का हृदय को जो विषय भोग करते करते जो पत्थर हो गया, भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुना सुना करके हमारे हृदय को क्या करते हैं, उन्होंने हृदय को मुलायम बना देते हैं, हैं? खेती करते करते मुलायम। और संत एवास छिंदंती मन व्यास संगति भी, वो कठोर कठोर वाणी बोल करके, जैसे सुन रहे थे ना त्रिविक्रम महाराज जैसे करते थे, इसलिए कठोर कठोर वाणी को बोल करके जो बड़े बड़े ढेला, ढेला मतलब जो संसार में हमारी आसक्ति है, संसार में जो हमारी ममता आसक्ति को पूरा काट डालते हैं, कोई किस रूप में, श्री गुरुदेव के रूप में, हैं बलदेव प्रभु मूल गुरु है, ये गुरु रूप में सबको काट देते हैं एकदम चकराचूर करके, मुलायम करके, फिर भक्ति बीज को हृदय में बो देते हैं श्री बलदेव प्रभु। इसलिए कहते श्री बलदेव प्रभु जैसे कृष्ण है, कृष्णा जैसे कहते ना वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, जैसे कृष्णा वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए जो मूल दो बलदेव प्रभु वो भी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, वो नित्य वृंदावन में रहते हैं। और जब वो वृंदावन में रहते हैं उनका अस्त्र क्या है, कहते बंसुरी और उनकी श्रृंगा, श्रृंगा और उनकी बंसुरी, कभी बंसुरी भी बजाते कभी श्रृंगा बजाते बलदेव प्रभु। लेकिन जब आते हैं कहाँ पर, द्वारका में आते हैं, हैं मथुरा द्वारका में, फिर ये हल मुसल को बलदेव प्रभु हल मुसल को फिर धारण करते हैं, हैं धारण करते हुए जीव के हृदय को बलदेव प्रभु खेती करते हैं। इसलिए कहते उन्होंने ये धेनुकासुर को वध करके उन्होंने क्या किया, जीव के हृदय में जो गधापन है, हैं जैसे गधा दिन भर परिश्रम करता है लेकिन उसको कोई फल नहीं मिलता है, हम भी संसार में माया में पड़ करके ऐसे कर रहे हैं। और इसको भर में दो सुंदर कथा सुनाते हैं, हैं दो सुंदर कथा, गधा कितने कथा होता है, दो कथा सुन लो, इसमें एक कथा सुनाते हैं। बोले एक समय कोई एक व्यक्ति गधों को लेकर के जा रहा था पहाड़ ऊपर, चलते 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 रात को फिर विश्राम करेगा दूसरे दिन चलेगा, लेकिन उन्होंने बाई चांस जैसे रात को जैसे सो जाता है गधे को खड़े करके, फिर उनको टांग को बांधना पड़ता है पैर को रस्सी से, अगर नहीं बांधेगा तो गधा कहीं भाग जाएगा, लेकिन भूल से उसने वो रस्सी नहीं ले पाया। अभी सोच रहा हूँ भैया रात में सोगा तो गधा कहीं भाग जाएंगे फिर क्या करेंगे, इतने में वहाँ पर देखा पास में कोई छोटी सी कुटिया, वहाँ पर जा करके देखा कि संत है। बोले बाबा आपके पास में कोई रस्सी है क्या? बोले क्यों? बोले ये गधे भाग जाएंगे रात भर खड़े करके, मैं सोना चाहता हूँ, सबरे रस्सी वापस दे दूंगा। बोले चलो मैं बांध दूंगा। बोले रस्सी कहाँ? बोले रस्सी की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही बांध दूंगा चलो। बोले वैसे बांध दोगे? बोले हाँ। बोले चलो गए, जब गए वो सब गधे खड़े थे, उनको संत ने क्या किया, केवल जैसे प्यार को रस्सी में से बांधते हैं ना, रस्सी से प्यार को, उन्होंने केवल हाथ घुमाया और घुमा करके केवल इस तरह करके घुमाया और उसको लेकर के पेड़ में बांध दिया, और सारे गधे को हाथ प्यार में कम हाथ घुमाया और पेड़ में बांध दिया। लेकिन रात भर वो गधे खड़े थे, रात भर हिले नहीं, क्यों? रोज उनको प्यार में बांधते थे, उनको लगा जैसे प्यार में बांध करके पेड़ में बांध दिया है। रात भर जैसे को तैसे खड़े रहे। अभी सवेरे हो गया, जब सवेरे हो गया और अभी उसने देखा जो गधे वाला, बोले अभी तो चलनी चाहिए। बोले गधे को भगाया, मारा मारा, लेकिन गधे टस से बस नहीं हुए, चल ही रहे, पिटते जा रहे, वो चल नहीं रहे। इतने बोले ये क्या हो गया, प्यार में रस्सी फंसी तो कुछ है, चल नहीं रहे। फिर बाबा के पास में, बोले बाबा ये गधे चल क्यों नहीं रहे? बोले रस्सी खोला कि नहीं? बोले रस्सी कहाँ? रस्सी तो है ही नहीं है, वो रस्सी कहाँ आपने बांधा? बोले मैंने बांधा था ना। बोले रस्सी तो है ही नहीं, आप तो ऐसे ऐसे हाथ करके पेड़ में बांध दिया है, ये रस्सी कहाँ? बोले चलो मैं खोल देता हूँ, ऐसे ऐसे कर बांधा था। वो साधु आया और ऐसे ऐसे करके हाथ घुमा दिया, घुमा कर जो पेड़ में बांधा था ऐसे हाथ खोल दिया, इस तरह कर दिया, फिर गधे चल पड़े, फिर गधे चल पड़े। देखो इसमें बहुत एक अच्छी सीखा, कितने सुंदर सीखा। कहते हम भी संसार में एक एक गधा है, हम भी संसार में एक एक गधा है, लेकिन हमारे हाथ पैर बंधा हुआ नहीं। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अगर किसको बोले भैया भगवान की भजन करो भक्ति करो, बोले नहीं अभी हमारे ये कर्तव्य है,
हमारी बगैर ये नहीं चलेगा, ये काम को पूरी करना पड़ेगा, ये काम चल रहा है फिर ये कैसे होगा, ये काम कैसे, अगर मैं साधु बन जाऊंगा तो ये फिर पीछे ये काम को कौन करेगा। हम गधे जैसे ना बंधे हुए, जैसे गधे जैसे हम बंधे हुए, तुमको किसने बांध करके नहीं रहेगा, तुमको किसने बांध करके नहीं रहेगा, तो खुद बंधे पड़े हुए। इसलिए गोस्वामी जी उनने दो उदाहरण देकर समझाए, बहुत सुंदर उदाहरण दिए। बोले सो माया बस भय गोसाई बंदी ये मरकट कीट नहीं। हमारे गुरु जी ये बात उदाहरण देते थे, हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल चेतन सहज सुखराज। बोले जीव कौन है? जीव ईश्वर का अंश है, ये अमल है, ये पवित्र है, सुख की ढेर है, लेकिन सो माया बस भय गोसाई, लेकिन अभी वो जीव ये माया में बंध गया। बोले कैसे? तो उनने दो उदाहरण दिया, बंधी मरकट कीट न्याय। मरकट मतलब होता है बंदर, बहेलिया बंदर को कैसे पकड़ते हैं, वो बंदर को दिखा दिखा कर ना गड्ढे खोद करके एक कलसी उसमें गाड़ देते हैं, गाड़ करके उसको दिखा दिखा कर उसको अंदर में फल नहीं तो कोई आलू कोई फल को डाल देते हैं, हैं? और उसका मुंह उतना बड़ा होता है जितने बड़े में हाथ घुस जाएगा, लेकिन जब उसको पकड़ लेगा ना हाथ मुठा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, फिर निकलेगा नहीं। अभी वो क्या जा करके किसी पेड़ को आड़ में छुप जाता है, वो बंदर ने देख लिया, अरे उसको अंदर में उसको दिखा दिया फल डाला ना, बंदर देख रहा था ऐसे, जब वो चले गए बंदर छलांग लगा करके आए, आकर उसको अंदर में उन्होंने हाथ को उन्होंने डाला, डाल करके जब उसको फल को पकड़ लिया ना हाथ हो गया मुट्ठी बड़ा हो गया, ये जब पकड़ निकालने के लिए चाहा उसका मुंह उतना बड़ा होता है और निकलेगा नहीं, लेकिन उसको ऐसे लगता है जैसे मानो हमें कोई हाथ को पकड़ लिया, किसने हमारे हाथ को अंदर से पकड़ करके रखा, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ा, वो खुद पकड़ करके बैठा हुआ चे 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 गरना शुरू कर देता है, हैं? इतने वो बहेली आएगा छोड़ कर जाएगा नहीं, वो कभी वैसे ही पकड़ा रहेगा, बहेली आएगा उसको गला में रस्सी बांधेगा और बांध करके ना उसे बंदर नाच नचाएगा, फिर डंडे मार मार करके दिखा कि बंदर नाच, ए खड़े हो जाओ उठ जाओ बैठ जाओ हाँ कूदो, देखे होंगे ना ऐसे करता है। फिर तो उसको दूसरा उदाहरण दिया, बोले कीट, कीट मतलब होता है तोते, बहेलिया तोते कैसे पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं कोई फल को ऐसे कोई लकड़ी से एक करते यहाँ लटका देते हैं और उसको नीचे एक बांस का ये होगा लकड़ी, जैसे हम पंखा ऐसे घुमाते ना, आप देखना कि पंखा घूमने वाले पंखा होता है, हमारे देश में तो ऐसे ऐसे पंखा होता है लेकिन हमारे उधर ऐसे घूमता है, उसका अंदर में क्या रहता है एक बांस, उसको ऊपर उसके अंदर में एक डंडा और उसको ऊपर के बांस रहता है, जिस बांस में ऐसे रहता है ऐसे घुमाते कहते ऐसे जो बांस है उसका अंदर में डंडा सा उसके बांस का ऐसे नाली होता है, वो आकर के जब उसके ऊपर बैठ करके फल खाने जाएगा वो बैठेगा वो तो घुमा हुआ जैसे वो पकड़ते ही ना झट नीचे उतर जाता है घूम जाता है, झड़ जब घूम जाती है वो तोता पूरा पूरा नीचे लटक जाता है, जब लटक जाता है उसको ऐसे लगता है जैसे मेरा हाथ को मानो किसी ने पकड़ करके रखा, लेकिन उसका हाथ को किसी ने पकड़ा नहीं, वो स्वयं उसको पकड़ करके लटक रहा है, लेकिन लगता है कैसे जैसे मेरा हाथ को किसी ने पकड़, फिर टेट करना शुरू करेगा, वो भागेगा नहीं, फिर बहेली आएगा बस उसको बांध करके ले जाएगा, फिर पिंजरा में बंद कर देता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उसी तरह ये जीव भी संसार में ऐसे आसक्ति में पड़ा हुआ, संसार में कोई किसको पकड़ा नहीं, महाप्रभु कौन सा उम्र में संन्यास लिया, उनका बड़े भाई ऑलरेडी संन्यास ले चुके थे, कोई कहते ना अभी हमारे ये कर्तव्य अभी ये कर्तव्य पूरी करना ये कर्तव्य पूरी करना, लेकिन पहले पिताजी चले गए कौन जगन्नाथ ने शरीर त्याग दे दिया, लेकिन उसको पहले क्या हुआ विश्वरूप ऑलरेडी उनका बड़े भाई वो भी संन्यास ले चुके हैं, महाप्रभु जब शादी किया घर में 16-17 साल की विष्णु प्रिया पर कोई नहीं घर में की बुरी माँ, पहले तो माताएं कोई घर से बाहर नहीं जाते थे, इसी अवस्था में महाप्रभु सब छोड़ करके निर्दय घाट पर छलांग लगाए और उनने कंटक नगरी में जाकर के महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, किसी अवस्था में उनने संन्यास कोई घर में है नहीं, कोई घर में नहीं देखने के लिए, यहाँ पर हमारे मैं भी उदाहरण दे रहा था हमारे जो महाराज भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ये भी ऐसे पुलिस की नौकरी करते थे, घर में तीन तीन बेटियाँ थी छोटी छोटी बेटियाँ,
छोटी छोटी बेटियाँ तीन थी। फिर उन्होंने इसी उम्र में छोड़ करके भजने के लिए गए, भगवान की भक्ति करने के लिए गए। क्या उनको बच्चे पाले? नहीं, बढ़िया बढ़िया से पाले, बढ़िया से बड़े हुए, बढ़िया से शादी इनको अच्छे अच्छे घर में हुई है, हैं उनके अच्छे अच्छे घर में हुई है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहते जगत में जितने कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? भगवान का भजन करना। इससे बड़ा कर्तव्य दुनिया में हमारी कुछ नहीं। लेकिन हमें क्या लगता है, अगर हम नहीं होंगे ना, फिर इस काम को कौन करेगा भाई? हमारा बगैर तो ये काम चलेगा नहीं, हैं? हमारे बगैर तो ये काम नहीं चलेगा। इसलिए कहते बंदी ये मरकट कीट न्याई। बोले भैया तेरे बगैर सब दुनिया चलेगा? हैं, तुम सोच रहे हो नहीं चलेगा, छोड़ कर चले जाए ना, देखना कि चलता कि नहीं, और बढ़िया चलेगा। हैं, हमको लगता है ऐसे जैसे ये माया पकड़ लिया। भले माया तुमको पकड़ा नहीं, खुद पकड़ कर बैठे हुए हो, तेरे को नहीं पकड़ा, तुम खुद माया को पकड़ कर बैठ हुए आप हैं। अगर मेरे बगैर नहीं चलेगा तो, इसलिए जिस समय श्री मध्वा ये हमारे मध्वाचार्य जब संन्यास ले रहे थे, उन्होंने 11 साल में उतने उनका माँ ने कहा अगर तू संन्यास लोगे ना, मैं ये आत्महत्या कर दूंगी कुएं में चल। बोले मैं तो जरूर संन्यास लूंगी। लेकिन तू आत्महत्या नहीं कर सकती हो, कुएं में चला नहीं लगा सकते हो, मैं तो जरूर संन्यास लूंगा। हैं, उनने संन्यास ले लिया, उनने संन्यास ले लिया बस। हाँ, इसलिए यहाँ पर श्री बलदेव प्रभु क्या करते हैं, ये अज्ञानता को बलदेव प्रभु नाश करके भगवान की जगन्नाथ की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति गुरु रूप में हमें उनकी भक्ति को हमें शिक्षा देता है। बोले ये एक शिक्षा है। बोले दूसरा कहानी बोलते थे। दूसरा कहानी है, कोई एक धोबी धोबी देखे ना, गधे को पीठ के ऊपर में जितने मैला कपड़ा रख करके वो धोबी ले जाता है, हैं? ये एक धोबी ले जाता था। एक समय धोबी की एक लड़की थी। एक दिन क्या हुआ, वो धोबी की लड़की कपड़े को प्रेस कर रही थी। प्रेस करते करते कपड़े को प्रेस करके देती है, प्रेस करते करते ना वो थोड़ी सी कपड़ा जल गया। जल गया तो उसको पिताजी ने कहा, क्या तुमने कपड़ा जला दी? अगर दूसरे बार अगर तुमने इसे कपड़ा दो बार जलाई ना, ये गधे को साथ में तेरे को शादी करा दूंगा। वो गधे को दिखा दिया, इसको साथ में तेरे को मैं शादी करा दूंगा अगर तू दूसरा बार अगर कपड़े को जला दे, हैं? इस बोल दिया। ये गधे ने ये बात को सुन लिया। गधे ने सुन लिया, वो कहते अगर दूसरा बार कपड़ा जलाएगा तो गधे से शादी कर दूंगा। इंतजार में खड़ा खराब हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ, ये गधा जंगल में कभी जब जाता था, जंगल में भी गधा रहता था जिसका कोई मालिक नहीं। एक जंगल का घास खाता है, नदी का पानी पीता है, शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट, ए सुंदर शरीर, घूमता है दहाड़ता है आनंद से घूमता है। लेकिन ये जो गधा था ना, ये तो बंधा रहता था, उसको मालिक थोड़ी बहुत खाने देता था, लेकिन धीरे धीरे ये पतला होते जा रहा था। एक दिन वो जो जंगल का गधा था, ये गधे को बोले तू क्यों वहाँ पर पड़े हुए हो, अरे मेरे साथ में आ जाना, जंगल का घास खा, हरी हरी घास और पियो पानी नदी का, अब मस्त रहो। और क्यों ये दिन प्रतिदिन क्या तेरे ऊपर में डंडा भी पड़ रहा है और धीरे धीरे तो दुबला पतला भी होते जा रहे हो, चलो चलो हमारे साथ में। बोले कुछ दिन बाद में जाऊँगा। फिर दो बार पूछते हैं, लेकिन जब जब उसको बार पूछते हैं ना, धीरे धीरे दुबला पतला होते जा रहे हैं। बोले भैया कब चलोगे, क्यों यहाँ पर क्यों पड़े हुए, चलो हमारे साथ में रहो, आनंद में रहो। बोले कुछ दिन बाद में। बोले कुछ दिन बाद में, लेकिन किस तरह से आने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। बोले भैया बात क्या, खाना भी इतना नहीं मिलता, दुबला पतला होते जा रहे हैं, डंडे अब देना गधे के ऊपर डंडे मारते मारते गधे वाले ले जाते ना, ये डंडा भी खा रहे, क्या चक्कर क्या है? एक दिन पूछा, भैया क्या चक्कर है ये तो बताओ, तू आना क्यों नहीं चाह रहे? बोले कि अंदर की बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। बोले क्या बात है? बोले एक दिन धोबी का एक बेटी है, वो प्रेस करते करते उसने एक दिन कपड़ा को जला दिया, और वो धोबी ने कह दिया अगर दूसरा बार तो अगर कपड़ा जलाएगा ना, ये गधे से शादी कर दूंगा। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कब वो लड़की दो बार कपड़ा को जलाए और मेरे साथ में वो शादी कर ले। इसलिए इसी इंतजार में रहा हुआ हूँ। देखो ये संसार में इसका शिक्षा क्या, संसार इतना दुख क्यों जीव भोग कर रहा है, संसार में जीव इतने दुख क्यों भोग कर रहा है? केवल इसी माया के चक्कर में, हैं? केवल इसी माया के चक्कर में
दिन रात संसार में दिन भर गधे जैसे डंडा पड़ता है। देखो संसार का सेवा हम करते हैं, घर का जो मालिक देखे ना संसार का सारे सेवा, बेटा का, बेटी की, बहू की, सबका सेवा करता है, लेकिन देखना उसके ऊपर सभी का गाली पड़ता है। थोड़ी सी अगर भूल चूक हो जाए ना तो मेरे लिए क्या किए, हमको ये नहीं दिए, कपड़ा नहीं दिया, ये नहीं दिया, हमारे ये नहीं दिया, देखना सेवा तो सबका करता है और गाली भी सबका, सब गाली का सब सुनता है, सब गाली सुनना पड़ता है। बोले किस लिए संसार में इतनी गाली वो करता है, इसलिए गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे अगर एक सुख त्याग दो ना सारे सुख मिलेगा, लेकिन अगर एक सुख की चक्कर में पड़े तो सारे दुख जीवन भर में, ये संसार का सारे दुख जिंदगी भर भोगना पड़ेगा। हैं जैसे खुजली थोड़ी समय के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन जब खून निकलती ना बड़ा ज्वाला होता है, हैं उसी तरह ये संसार भी ठीक वैसे ही है। जीव इसी आशा में पड़ा हुआ, वो गधा इसी आशा में पड़ा हुआ, शायद लड़की से हमारी शादी हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं गधापन। लेकिन गुरुदेव बलदेव प्रभु क्या करते हैं, ये सब चीज को हृदय से जीव की दूर करके हृदय में कृष्ण भक्ति के बीज बोल लेते हैं, कहते भैया ये माया के चक्कर छोड़ करके भगवान की भजन करो, भगवान के नाम लो, भगवान की भक्ति करो, इसी में ही आनंद है और इसी में ही सुख है। ठीक है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।